यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, ये मेरा कैद कर रहा है, हम इसका कैद कर रहे हैं। तो अंधेरी गुफा में यहाँ पर देख सकते हो, पूरा अंदर में कुछ फ्लस लाइट काम ही नहीं कर रहा है। ऊपर से जो व्यू होगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हो नीचे में गार्डन वगैरह लगा हुआ है फिलहाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि हम जाएंगे कहीं ट्रेवल के लिए, कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल अभी समय आ चुका है और आज सुबह सुबह ही हम निकल रहे हैं। तो आज कहाँ जा रहे हैं वो सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में कंटिन्यू देखने को आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं और यहाँ से हम अकेले ही और आपको कहाँ घुमाएंगे तो वो आपको देखने को तो मिल ही जाएगा इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो एंड तक। एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल मेरे को सफ़र करना पड़ेगा आज ट्रेन से। तो ट्रेन में तो ठंड लगेगी ही, इसी कारण से हमने पहन लिया है स्वेटर, कि अब की ठंडी का मेरा पहला स्वेटर है, जो कि पहला नहीं बट पहली बार हम इस ठंडी में स्वेटर धारण किए हैं। तो चलो चलते हैं सीधा बिना टाइम गवाए हुए। और अभी टाइम देख सकते हो कितना बजा, 6:01 और यहाँ पे बैग भी रेडी हो चुका है मेरा। फिलहाल अब यहाँ से मेरे को लाइन काटना होगा और चार्जर लेना पड़ेगा यहाँ से, ताकि हम रास्ता में कुछ चार्ज भी कर पाएं फ़ोन को। इस फ़ोन को तो घर में ही छोड़ देंगे, बट पहले चार्जर को रख लेते हैं चैन के अंदर। तो फिलहाल शूज नहीं पहनेंगे बट सैंडल ही पहन लेते हैं। एक भागलपुर का दे दीजिएगा। अभी आ गए हैं जमालपुर जंक्शन, जैसा देख रहे हो नीचे में फिलहाल, और रास्ता में तो शूट नहीं कर पाए थे वीडियो, बट अभी निकल रहे हैं सीधा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जा रहे हैं जस्ट तुरंत ही, गाड़ी जो अभी आ रही है 3 प्लेटफॉर्म पर, विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो उसी से निकलेंगे अभी जस्ट भागलपुर के लिए। तो मिलते हैं सीधा ट्रेन में, नहीं तो डायरेक्ट आपसे भागलपुर में मिलते हैं डायरेक्ट। अभी भागलपुर जस्ट पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं जहां जाना है हमको एंड जिसके लिए आए हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपको स्पॉट पे डायरेक्ट। चलो सीधा चलते हैं। तो अभी गाइस इधर चल रहा है काम, जो कि मार्बल पत्थर से जो चारों बगल बालकनी बना हुआ है, बट वो हो गया था पानी की वजह से गंदा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन कर किया जा रहा है। प्लेन जो होता है मशीन से, उसी को प्लेन किया जा रहा है। और यहाँ पे है इतना सारा जो ज़मीन खाली, यहाँ पे होता है जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे भंडारा होता है। और यहाँ पर है देख सकते हो फिलहाल आश्रम, जो कि सभी महात्मा लोग यहीं पे विश्राम करते हैं अंदर में, देख सकते हो। अंदर में दिखाता हूँ आपको जाकर। अभी अगर आप उस तरफ से आते हो तो यहाँ से मुख्य द्वार है यहाँ से अंदर आने का, और यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ है, और यहाँ पर करते हैं सभी महात्मा लोग विश्राम, मुनि वगैरह जो भी है पूजा पाठ का। और यहाँ पर है सत्संग का स्टेज, जो कि यहाँ पे सत्संग भी होता है, और इधर सभी महात्मा लोग के यहाँ पे दिया हुआ है फोटो, यहाँ से देख सकते हो पूरा। यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर
पूरा यहाँ तक पूरा सत्संग का स्टेज है, जो कि यहीं पर बाबा लोग बैठ के सत्संग करते हैं। और इस तरह से तो महिला का रहने का जगह, मतलब यहाँ पे जो भी विश्राम करती है, सत्संग जो सुनती है, वो सब महिला इस तरफ रहती है और इस तरफ पुरुष रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ, यहाँ पे पुरुष का बैनर लगा हुआ है और इस तरफ पुरुष वगैरह बैठ के यहाँ पे सत्संग को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। और आप इतना देख रहे हो पूरा, जो ऐसे करके पूरा आगे देख रहे हो स्टेज वहाँ पे, और इस तरफ पूरा पुरुष का जगह और इस तरफ महिला का। सो यहीं पे जब सभा लगता है सत्संग का, तो सभी सत्संग आनंद रूप से सुनते हैं यहाँ आके। तो अभी तो गाइस जस्ट हम अंदर में ही है जहाँ में कि सत्संग होता है, तो अब चलते हैं आपको उस तरफ लेकर, जो कि आपको नीचे का पूरा गार्डन का आपको लुक दिखाते हैं। उस तरफ का व्यू कुछ अलग ही आएगा आपको देखने में। तो बस मेरे साथ बने रहो ब्लॉग में, और मैं आज इस कुप्पा घाट के बारे में जितना हो सके मैं सारा चीज़ आपको आज का इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप बस समझते जाना और वीडियो को मेरा फुल वॉच करते जाना। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे। आप यहाँ तो पूरा फाइनली हो गया, जो कि आप जान चुके होंगे यहाँ देखने के बाद, पढ़ने के बाद। अगर हम नहीं भी जानते हैं फिर भी हम यहाँ पे आके किसी को बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है, किसी बुजुर्ग से पूछ कर भी। तो बस चलो आगे दिखाते हैं। तो गाइस वहाँ पर देख सकते हो अभी जो वो बना हुआ है थोड़ा रहने का जगह, जो वहाँ पर लेके चलेंगे, लेकिन वहाँ पर शायद ताला लगा हुआ है। फिलहाल चलते हैं वहाँ पर, और इस जो ये पुल देख रहे हो आप, इस पुल से चलेंगे अभी वहाँ पर। देख सकते हो वो जो बना हुआ है मंदिर पूरा, यहाँ पर चलेंगे फिलहाल अभी। तो चलो सीधा इस तरफ से निकलते हैं और उस तरफ सीधा चलते हैं। तो जो हम बोले थे कि यहाँ पर लेकर आएंगे आप सबको घुमाने के लिए, तो देख सकते हो यहाँ फिलहाल यहाँ तो आ गए, बट यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, मतलब लिखा ही होगा अंदर जाने के लिए मना है। तो गाइज फाइनली यहाँ पे खुला हुआ है और चलते हैं अब अंदर सीधा। यहाँ देख सकते हो पूरा परमहंस जी महाराज, यहाँ पे सतगुरु महाराज। और गाइज यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे कार लगा हुआ है फिलहाल, ये बाबा जी के ही होंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कार लगा हुआ है बगल में, जस्ट इसी का होगा इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे सतगुरु महाराज का कार लगा हुआ था जस्ट फोटो के बगल में। यहाँ पर देखते हो उस तरफ शीशा के अंदर पैक ही था, तो जो हम देखें वही बताएं आप को और वही दिखाएं भी। तो चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, चलो आप सीधा उस पुल पर से हम चलते हैं उस तरफ। ऊपर से जो व्यू होगा मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ देख सकते हो नीचे में गार्डन वगैरह लगा हुआ है फिलहाल नीचे, यार नाइस मस्त व्यू आ रहा नीचे से और इस तरफ पूरा। अभी और भी कुछ मस्त मस्त स्टैचू भी बना हुआ है, तो वह भी दिखाएंगे आपको, बस व्लॉग में बने रहो मेरे साथ। और नीचे में यहाँ पे छोटे छोटे पौधे से भारत का नक्शा बना हुआ पूरा, हमारा भारत इंडिया। और भी कुछ तरह तरह का चीज़ है यहाँ पे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो बस मेरे साथ बने रहो। और यहाँ पे लिखा हुआ है जय गुरु, तो देख सकते हो क्या लुक है यार, व्यू मस्त आ रहा है यहाँ से देखो पूरा। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, इसके इस तरफ जो माली वगैरह है उस पर ज़्यादा ही फूल वगैरह पे ध्यान दिया हुआ है, लेकिन इस तरफ देख सकते हो अभी इस पर काम नहीं चल रहा है। यहाँ देखो पूरा धुंधला पड़ा हुआ, वहाँ स्वास्तिक का निशान है जिसमें कि पेड़ लगा हुआ है फिलहाल, और इधर भी स्टार है लगा हुआ, जो कि इस पर अभी घास वगैरह कुछ हो ही रहा है फिलहाल, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे सबरी का जूठा बैर खाते हुए राम लक्ष्मण, और पीछे में है गाय और आगे में खरगोश, देख सकते हो पूरा रामायण का गथा पे लिखा हुआ यहाँ पे। और ऊपर में झोपड़ी के जस्ट ऊपर में मोर है यहाँ पे बैठी हुई। और अभी जस्ट हम तुरंत उस तरफ से आए, देख सकते हो वहाँ पे मंदिर से, और ऐसे करके गाइस हमने जहाँ तक हो चुका वो मैंने दिखाया आपको अभी। इस मंदिर के अंदर महर्षि सतगुरु महाराज का समाधि है, जो कि आपको दिखाएं भी, लिखा हुआ था नीचे में जस्ट। इस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है ये पूरा बना हुआ है ऊपर तक पूरा पहाड़ जैसा, वो पूरा ही मिट्टी का घड़ा से बना हुआ है, और इसी के लिए ही कुप्पा घाट प्रसिद्ध है भागलपुर का फिलहाल। इन गाइज आपको यहाँ से जो कुप्पा घाट का ये जो महर्षि महिकाश्रम का जो है ये समाधि जो है
और इसके अलावा आपको वहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा होगा वो बिल्कुल राम मंदिर की तरफ दिखाई दे रहा है जो कि यूपी में है और आपको पता ही होगा। और आगे नेक्स्ट ब्लॉग आपको राम मंदिर का ही चाहिए अगर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ राम मंदिर जाओ और वहाँ का वीडियो ही लेके आओ। तो आपने अभी सुना जो हमने अभी बोला कि हाँ आपको राम मंदिर का दर्शन कराएंगे उत्तर प्रदेश में जाकर, फिलहाल वो ब्लॉग लाना तो हम ले आएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे, तो हम चलेंगे राम मंदिर यूपी का। जैसा कि वहाँ पे दिखाई दे रहा था राम मंदिर के तरह, जस्ट उसी तरह हम ओरिजिनल जो यूपी में बना हुआ है राम मंदिर अयोध्या में, तो वहाँ चलेंगे। तो देखना नेक्स्ट ब्लॉग नहीं बट आप कमेंट करो तब हम चलेंगे वहाँ। कुप्पा घाट का तो व्यू सिर्फ यही है, देख सकते हो यहाँ से पूरा। ऐसे करके अगर इस तरफ से आप आते हो तो यहाँ से सीधा महर्षि का जो सतगुरु महाराज है उसका वहाँ पे समाधि है जो लिखा हुआ था, और उधर है मंदिर वो भी कोई महर्षि का ही समाधि है बट वो भी समाधि ही है। और उधर और इस तरफ जो भी भंडारा वगैरह करता है तो यहाँ पे मैदान जस्ट जो खाली है यहाँ पे भंडारा वगैरह भी होता है। एक बार हम आए थे और भी पिछले कई 2 साल पहले, तो यहाँ पे देखे थे चूरा दही का शायद भोग लगा होगा, ये जो भी कुछ भी तो वही हो रहा था, तो ही हम बताएं आपको। तो और इधर आश्रम विश्राम करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए है और कुछ नहीं यहाँ पर। और उस तरफ कुछ गुफा वगैरह है, फिलहाल हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं उस गुफा में, सो होगा तो जाएंगे नहीं तो बस ब्लॉग को आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस अभी तो हमने गुफा में अंदर जाने का, ऐतिहासिक गुफा जो लिखा हुआ है वहाँ पे, वहाँ जाने का परमिशन तो ले लिया है। तो अभी फ़िलहाल नीचे आ गए हैं और यहाँ पे महर्षि में ही साहित्य भंडार यहाँ पे कुछ है, और इधर प्राचीन गुफा द्वार। गाइस यहाँ पे सत्संग सिद्धांत के बारे में पूरा लिखा हुआ है और जो यहाँ पे गुरु महाराज यहाँ पे रहते थे उसी के बारे में भी आप तो पढ़ नहीं पाओगे इतना ज़्यादा, तो मैं आपको जस्ट कुछ लाइन ही पढ़ के यहाँ से मैं आपको समझा दूँगा। और इस तरफ लिखा हुआ है सतमत की परिभाषा जो कि एक एक लाइन करके 4 लाइन में यहाँ पे पूरा लास्ट अंत कर दिया गया है, महर्षि में ही पदावली इसी के लिखा हुआ है। और गाइस इस गुफा के अंदर जो महाराज रहते थे उसका पोस्टर यहाँ पे है, और यहाँ देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पर 18 महीना गुरु महाराज अखंड साधना किए थे। प्राचीन गुफा है बहुत ही ज़्यादा, 1.5 साल पक्का यहाँ पे गुरु महाराज अखंड साधना में लीन थे, इसका पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है फिलहाल। और इसी अंधेरी गुफा में यहाँ पर देख सकते हो पूरा अंदर में कुछ प्लस लाइट काम ही नहीं कर रहा है, मतलब शेडो आ रहा है। और अच्छा अगर कैमरा मेरा रहता या क्वालिटी भी रहता तो मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाता, यहाँ पे आवाज़ गूंज रहा है देख सकते हो अंदर। वहाँ जो गुफा है वहीं पे बताया जाता है कि वहीं पे बैठे हुए थे पूरा 1.5 साल तक, 18 महीना। तो अब तो कुछ इधर है भी नहीं एक्स्ट्रा जो कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लोर कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। यहाँ पर बस टहलने के लिए, आराम करने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए जगह है। जो दिखाने का था वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। हाँ तो अब चलते हैं सीधा स्टेशन की ओर, या नहीं तो घर की ओर, या नहीं तो कुछ और अगर समय बचा मेरे पास तो हम कुछ और चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बस मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो और चलो अब यहाँ से निकलते हैं पहाड़। हम गाइस अभी वहाँ तक चल गए थे और हम देखो स्लीपर यहाँ पे नीचे खोल के ही अंदर गए थे और स्लीपर भूल गए अंदर में ही वहीं पे गुफा का मुख्य द्वार पर। और यहाँ पर देख सकते हो जो कि हम आने वक्त पहने थे, आपने देखा ही होगा, तो पहले जल्दी से पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और हमारे जस्ट अभी गाड़ी आगे में जो रुकी है यहाँ पे, ये इसका नाम है हम सफ़र, स्मार्ट कोच है इसका नाम, हम सफ़र गाड़ी का नाम है। यार क्या क्या गाड़ी निकल जाता है पता नहीं, लेकिन है अच्छा प्रेजेंट। इसका अंदर चलते थोड़ी देर के लिए फिर निकल जाएंगे जल्दी से बाहर। ये देखो जाने से पहले यहाँ पे, और ये देखो अंदर, यहाँ देखो मस्त सब चीज़ जनरल से बहुत लाख गुना अच्छा है। ये देखो अंदर, यहाँ से अंदर जाने के लिए अलग ही डोर मौजूद है यहाँ पे, और फिर अलग यहाँ अंदर चढ़ने के लिए अलग, और यहाँ से एंट्री अंदर करने का अलग, फिर यहाँ पे अलग अलग मशीन अलग तरह का लगा हुआ है। और इधर हम सफ़र एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, और यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, इसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता बट आ चुके हैं पहली बार। और यहाँ पे CCTV लगा हुआ है, ये मेरा कैद कर रहा है, हम इसका कैद कर रहे हैं। तो चलते हैं बाहर, आप ज़्यादा कुछ नहीं में यार, इस गाड़ी में मज़ा ही कुछ और है, इसमें पक्का चढ़ेंगे एक ना एक दिन, पक्का इसमें चढ़ेंगे हम सफ़र एक्सप्रेस। और एक तेजस एक्सप्रेस रहता है उसमें भी ठान लिए कि चढ़ना है तो है, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और हमारा दानापुर इंटरसिटी भी इधर देख सकते हो, इधर आ गया फिलहाल, और इधर लगा हुआ है हम सफ़र एक्सप्रेस, इसमें तो चढ़ना ही है कभी न कभी, बट अभी फ़िलहाल इस पर चढ़ के उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो गाइस फिलहाल अभी आ चुके हैं जमालपुर जंक्शन, तो यहाँ देख सकते हो फिलहाल दिखाई दे रहा है अंधेरा में, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे कुछ, क्या कि दिखाने लायक मेरे पास बचा भी नहीं कुछ।
मतलब गाड़ी चली गई मेरी, और फिर यहाँ से आप जमालपुर में गाड़ी पकड़ते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट आपको घर में। We'll be right back.